जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे विटामिन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर और वजन कम करने में फायदेमंद सूप की रेसिपी। कोलेस्ट्रॉल जैसी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल में करता है, वजन कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं मोरिंगा का सूप, इसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, और सहजन। तो ये हमने सहजन ले लिया है, तो यहाँ पे हम कम क्वांटिटी में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो सहजन लेंगे, उसे अच्छी तरीके से धो लेंगे और कुछ इस तरीके से धोने के बाद काट लेंगे दो दो इंच में। तो चलिए, यहाँ पे हमने सहजन को काट लिया है और अभी हम यहाँ पे बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी पतीला या फिर कुकर में बना सकते हैं। तो पानी डाला है आधा लीटर और ढक देंगे और एक उबाल आने देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और एक उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाता है, जो हमने ड्रम स्टिक सहजन काट के रखा था ना, उसे हम डाल देंगे। यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी और सुपर टेस्टी आज हम मोरिंगा का सूप बनाएंगे। और यहाँ पे लेंगे हम अंकुरित मूंग की दाल 4 चम्मच, उसे भी डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 इंच दालचीनी का, 2 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च को अच्छी तरीके से दरदरा कूट के डालें। तो ये आपको तुरंत करना है, कूट के काली मिर्च को डालना है, तो इससे बहुत ज़्यादा सूप में अच्छा फ्लेवर स्वाद आता है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अभी हमें इसे गैस को मीडियम फ्लेम पे करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। मिट्टी के बर्तन की जगह आप कुकर ले लें, अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही सब कुछ डाल दें। उसके बाद 2 सीटी आने तक पकाएं और जब 2 सीटी आ जाए उसके बाद आप ढक्कन को निकालें। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारे ड्रम स्टिक और सूप अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं और काफ़ी हद तक सब पक चुके हैं। तो बस इसमें से हम यहाँ पे निकालेंगे ड्रम स्टिक, जो इसमें हमने सहजन के टुकड़े डाले थे ना, उन्हें निकालेंगे और ये जो खड़े मसाले हैं ना, दालचीनी, उन्हें हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम सहजन की फलियों को निकाल लेंगे और अभी हम इन्हें बीज से काट करके जो इसमें बीज है ना वो निकाल लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर के जार में इसे ग्राइंड कर लें और छानने के बाद इसमें छान करके डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम छानेंगे नहीं, ना ही पीसेंगे। तो इस तरीके से चाकू से काट लेंगे बीच में और चम्मच से इसके बीज निकाल लेंगे। तो सारे ड्रम स्टिक के बीज हम इस तरीके से अंदर के गुच्छे को निकाल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम सारी ड्रम स्टिक के बीज के गुच्छे को निकाल लेते हैं। और ये देखिए, हमने सभी को निकाल दिया है और इसे भी हम सूप में डालेंगे। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और सुपर टेस्टी भी है। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और आसान सा सूप बन करके तैयार है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, इसमें नमक सिर्फ सेंधा नमक ही डालना है और कोई भी नमक नहीं डालना है। तो ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म सूप बन करके तैयार है। आप इसे गर्म गर्म सर्व करें। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। सबको मिलाएं और इंजॉय करें। महंगे महंगे होटलों और रेस्टोरेंट में मिलने वाला वेट लॉस के नाम पर ये हमारा घर में ही सूप बन करके तैयार है। मोरिंगा का सूप इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, साथ ही हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मोरिंगा, सहजन और इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक, इसके फायदे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम इनके फायदे की बात करेंगे तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसे ही बस शॉर्ट वीडियो में हमने इसे बताया है कि आप किस तरीके से सूप, या फिर मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से इसकी दाल बना के खा सकते हैं। तो मोरिंगा की दाल, मोरिंगा के सूप, चाहे जैसे भी हो अपने डाइट में शामिल करें और बीमारियों को कहें टाटा एंड बाय बाय। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, पिएं और स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।